भी दे, एक सिप दे दे। इसने स्लाइस ली है। खुला बकवास है, टोटल बकवास है। तो गाइस एक कुछ शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे व्लॉगिंग भी ना लिमिटेड लग रहे हैं। क्या बकवास बोल रहे हैं? गाइज यहाँ पे व्लॉगिंग भी ना लिमिटेड ही करनी पड़ेगी, रीजन बीइंग पॉजिटिव वाइब्स बिल्कुल भी नहीं मेरे को आ रही है, सच में आपसे बोल रहा हूँ। ये मेरे को टोटल यहाँ पे जितने भी पब्लिक है ना, वो कुछ मेरे को सही नहीं लग रही है। सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी फूक रहे हैं। देखो सही लग रहा है तमीम? ना सुट्टा उट्टा नहीं, क्या कर कुछ कुछ कोई बिल्कुल भी सही नहीं है। तो व्लॉगिंग करना भी मैं लिमिटेड ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। किट्स हमने ले ली है, वही 24 रुपए की है, 24 रुपीस की है अडल्ट की। तो अब देखते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तीन टिकट्स हमने ले लिए, 24 रुपीस पर पर्सन। क्या हेयर स्टाइल के लिए टाइम ही नहीं है उतना यार, क्या करें। तो गाइज गार्डन में हम लोग आ गए हैं, दिस साइड वी हैव दी एंट्री एंड काफ़ी ऑसम व्यू है। झूले भी है वहाँ पे, ओए वहाँ पे झूले भी है। तो पूरा चर्च है यहाँ पे, पब्लिक का मानस बल लेक। डू यू नो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उतना पढ़ेगा कौन? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी हुई है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिशेस लिखा हुआ है जो यहाँ पे लेक में होती होगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिशेस है यहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी है। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है बता? फ्लोरा तो वो होता है ना प्लांट की अलग अलग स्पीशीज जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, और फौना तो एनिमल की स्पीशीज। आराम से चलो, इतना दूर आए भाई पसीने छूट गए। सही है बट काफी ज्यादा क्राउड है, नेक्स्ट लेवल क्राउड है गाइज। यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज्यादा है, और क्राउड जो है नेक्स्ट लेवल क्राउड है। मतलब ऐसा क्राउड है जो हाथ से फोन छीन कर भाग जाएंगे। तो माइंड जो है मेरे को भी अपना दिमाग बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट रखना पड़ रहा है। काफी ऑसम व्यू है, आजा पहले दूसरी जगह घूम लेते हैं, तवाफ आगे मत जा, फिर आगे देख लेंगे। वहां पे क्या उस टॉम में क्या, इधर आ जाओ। वो जो वहां पे ग्रीन कलर का टॉम जो है, कुछ ना कुछ तो होगा, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मानस बल लेक, आई लव मानस बल। चलो भाई साथ साथ रहो। पानी भी यहाँ पे कुछ है नहीं, फ्लोइंग वाटर नहीं है यहाँ पे, ये क्या है भाई? ओके मछली, मछली है एक, कुछ खास नहीं। आ जा, ये सारा का सारा ग्राउंड ही है भाई। और वहाँ पे कुछ खाने का भी है, तवाफ और बिरयानी भी है। तो गाइस वहाँ पे ना खाने का स्पॉट है, बादशाह रेस्टोरेंट कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे यहीं से, आपको दिखाना चाहेंगे। ये रहा, बट इट्स नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, कुछ खाएंगे। इनको भी पता नहीं है, अगर हम लोग निकले हैं ना तो रश नहीं करना है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे देखना है क्या होगा। यहाँ पे अभी वो आई वुड से जूलो वाला स्पॉट आ गया है, कोलंबस बोलते हैं इसको। भाई देखना क्या उड़ रहा है ये, इसी में बैठेंगे। यार ना इसी में बैठेगा, अरे तू मजे ले। ये वाला तो बच्चों वाला है, ये वाला बच्चों वाला है, और ये कोलंबस रहा। एक बारी लर्निंग होती है, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। यू आर नॉट मेंट फॉर एनीथिंग, तो वो चीज ट्राई क्यों करना है? अगर आपको हाइट से डर लगता है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हमें किसी को दिखाना नहीं है। मेरे यहाँ पे कजन है, कजन को भी मैं अभी नसीहत यही कर रहा था कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ। क्या कहा मैंने मेरी ऑडियंस को बता? नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। क्यों, रीजन क्या है ये बता? अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे ना, इसमें देख अच्छे से, अच्छे से क्या क्या क्या, कभी किसी से खुद को कंपेयर करेंगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप खुद को कंपेयर करोगे ना दूसरों से, आप जीरो पे ही होगे। आपकी रेस आपकी खुद के साथ है, समझ रहे हैं मेरी बात? हमारी रेस खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। दूसरों के साथ रेस करोगे हमेशा हारोगे। तो यहाँ पे कोलंबस है, आ जा भाई, नेक्स्ट लेवल है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कोलंबस कहते हैं, पता ही नहीं ये लोग क्या इसको कहते हैं, बट मैं इसमें नहीं चढ़ने वाला हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस।
ये एक्चुअली अभी रुक रहा है, नहीं फिर से चालू हो गया आई गेस। ये बच्चों वाली है, ये बच्चों वाला झूला है, इसमें बैठ चुके हैं, बस इतना ही है यहाँ पे, और तो कुछ है भी नहीं। और यहाँ से लेक का व्यू आपको दिखा देते हैं। किस पे भाई? ये तो सही है, ये भी लेकिन बहुत ही तेज घूम रहा है भाई, चक्कर चक्कर आ जाएंगे, देखना भाई घूम क्या रहा है भाई। हाइट वाइट तो नहीं है लेकिन जो ये गोल गोल चक्कर चक्कर आ जाएंगे ना, देखना गोल की घूम ये भाई बंदा, देखो नेक्स्ट लेवल घूम रहा है ये गाइस, देख कर चक्कर आ रहा है। ऑसम ऑसम व्यू, ओ माय गॉड क्या घूम रहा है ये भाई। अभी आगे का व्यू ले लेते हैं, स्पॉट है छोटे छोटे बच्चों का स्पॉट है जो इसमें नहा रहे हैं। ये वाला तो अभी नहीं है, अभी नहीं है इसमें, यूज में नहीं है, बट वो वाला यूज में है, तो बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा व्यू का थोड़ा बहुत आनंद ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं तब, आप कुछ पता है तेरे को? इसको इसको हाँ लोटस बोलते हैं इसको, श्योर हो? इसको आई किस लोटस कहते हैं, ये कह रहा है लोटस और लिली, लिली और लोटस में क्या फर्क है, दोनों सेम है? अलग अलग है, हाँ दोनों पानी में ग्रो होते हैं। आ जाओ अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, शिकारा वाले से बात कर लेते हैं, उसको बता देते हैं कि बीच में कौन सा आइलैंड है, एक तो आइलैंड की जानकारी ले लेते हैं, और कौन सा कौन सी पार्क आता है, जंगूरा जे से था, जे से था कुछ, उसने पार्क भी कहा था, हाँ कुछ कुछ कोई पार्क थी, और एक आइलैंड है इन द मिडल ऑफ दिस लेक मानसबल लेक, तो उनसे बात कर लेते हैं, पैसों की बात कर लेते और आपसे मिल लेते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे आ गए जो यहाँ पे शिकार है, इन्होंने से अभी हम लोग बात कर लेते हैं, बट बिफोर कमिंग टू दैट यहाँ पे छोटी छोटी फिशेज है, ये फिशेज है या फिर फ्रॉग है अभी ये बता, तो श्योर है? ये देखे गाइस आई डोंट नो कितना क्लियर आ रहा है, जल ले आना हाथ में पकड़ जरा किसी को, तवा कोशिश तो कर, नहीं ऐसे नहीं पकड़ना, तो ऐसे हाथ में पकड़, ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा आगे आगे सामने गिरेगा नहीं, अगर इसे पैर भी डालेगा कोई मसला नहीं है ये, तब तमीम आ जा मछली पकड़ फटाफट, उतरो इसमें उतरो फटाफट, तू हिला क्यों ना, ऐसे भागेंगी ना अकल कब आएगी यार इसको। ये देखना यहाँ पे देखिए गाइस कितनी सारी मछली है, आई कोई मछली हाथ में, नीचे से पकड़ जरा गाइस, काफी सारी मछली है कसम से बोल रहा हूँ, पूरा भरा पड़ा है ये मछलियों से। तो गाइस अभी हम डिसाइड ही कर रहे हैं कि शिकारे वाले से बात करें, कम दिस साइड, अभी हम बॉक्सेस पे चल रहे हैं, और ये बॉक्स जो है ये पानी में तैर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है इस पे चलना, ऑसम व्यू, मजा आ रहा है, ऑसम। अब किससे बात करें, किसी से बात कर लेते फिर आपसे मिलते। गाइस यहाँ पे ना दो पॉइंट्स है, एक तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है तवाफ, जोलंगा पार्क है, तो कॉस्ट जो ये बता रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा एक्सप्लोर करने में, तो 800 बता रहे हैं, अवेलेबल नहीं लग रहा है, तो फॉर नाउ प्लान नहीं बन रहा है, राइट, फॉर नाउ वी गोना स्किप इट। तमीम कुछ कहना चाहता है, बता तमीम, इतनी मेहनत हमें लगी ना आने में, ऊंचा इतनी मेहनत हमें आने में लगी, इतना बेकार है, हाँ नॉट वर्थ प्लेस, काफी ज्यादा क्राउड एंड पर्टिकुलरली फॉर टूरिस्ट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग फ्रॉम माई एंड, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, देखिए हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है, राइट, मेरे टेस्ट के साथ ये मैच नहीं करा, तो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दी टूरिस्ट टू कम, हाँ बोरिंग और अच्छा भी नहीं है, क्राउड भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो बस अभी इस पार्क के अपोजिट एक कौन सा पॉइंट है, डार्क पॉइंट है, राइट, हाँ तो यहाँ पे ऊपर जो है कुछ डार्क पॉइंट है, तो सेम टिकट है, अलग से हमें टिकट नहीं लेनी है, सेम टिकट पे वी गोना एक्सप्लोर दैट डार्क पॉइंट, और बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंस्टेंस पे।